हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन साइंटिफिक पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक करते आ रहा हूं इस वैश्विक महामारी में। फ्रेंड्स, कोरोना के खौफ से आज पूरी दुनिया कांप रही है। लाखों कोशिश करने के बाद भी इस संक्रमण को हटा नहीं पा रहे, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और अपने हाथों को निरंतर साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें। तो ना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम में हो रहे लगातार उतार चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारी का संकट बढ़ गया है और साधारण से बुखार होने के कारण भी लोगों में दहशत है। लोग कोरोना संक्रमण को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा हो गया है और काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस स्थिति में एक साधारण सा जुकाम आपके लिए कब खतरा बन जाता है, मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो हमारे साथ कृपया बने रहें। कोरोना वायरस दुनिया भर में करीब 283,000 लोगों की जान ले चुका है, 41 लाख लोग बीमार बन चुका है। इस बीच भय के माहौल में लोग सामान्य बुखार या सर्दी में भी घबरा जा रहे हैं। अधिकतर लोगों को कोरोना वायरस की खास जानकारी नहीं है। दरअसल कोरोना सर्दी बुखार या सीजनल फ्लू से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं मौसमी बुखार के बारे में। मौसम में बदलाव होने के कारण मौसमी बुखार होना आम बात है। इसकी शुरुआत आकस्मिक हो सकती है। मौसम में बदलाव के बीच लापरवाही बरतने के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। लक्षण बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सर दर्द, गले में दर्द, नाक से पानी बहना, अन्य लक्षण उल्टी होना, 1 से 4 दिन संक्रमण के लक्षण दिखते हैं। जटिल मामले एक फसीदी केस निमोनिया वाले, इसका सामान्य उपचार उपलब्ध है और अधिकतम 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप ठीक हो जाते हैं। अब जानते हैं सामान्य सर्दी के बारे में। ठंड लगने के कारण सर्दी होना आम बात है। आंख, नाक और कान के माध्यम से ठंडी हवा लगने से या ठंडी वातावरण में ठंडी चीज़ ज़्यादा खाने से हमें सर्दी हो जाती है। लक्षण बाती नाक, छींक और गले में दर्द। अन्य लक्षण सामान्य बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और थकान। 2 से 3 दिन संक्रमण के लक्षण दिखते हैं। सर्दी में जटिल मामले बेहद कम नहीं के बराबर होते हैं। सामान्य दवाओं या घरेलू उपचार से अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर आप ठीक हो जाते हैं। अब जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है। दुनिया भर में अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। लक्षण बुखार, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकान, अन्य लक्षण सर दर्द, खून वाली खांसी और दस्त। संक्रमण के लक्षण सामान्यतः 1 से 14 दिन तक, जबकि कुछ मामले में 24 दिन तक दिखते हैं। कोरोना से पीड़ित मामले में 5 फसीदी जटिल मामले हो सकते हैं। इसमें निमोनिया, सांस लेने में परेशानी, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसे मामले सामने आते हैं। इस बीमारी का अब तक कोई वैक्सीन या एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके लक्षण का उपचार संभव है। 14 दिनों के भीतर लक्षण दिखने लगे तो प्रयोगशाला में जांच कराएं। किसी प्रकार के लक्षण नज़र नहीं आए तो फिर घबराने की बात नहीं है। बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना है ज़रूरी। सर्दी, जुकाम, बुखार और कफ होने पर अस्पताल ज़रूर जाएँ। बार बार आँख, नाक, मुँह छूने से बचें। संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धुलें। भीड़ भाड़ में 3 से 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। बार बार हाथ धोते रहें ताकि कीटाणु ना फैलें।